हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। चलिए बनाते हैं खीर, क्योंकि मुझे खिलाना है कन्या। तो यहाँ पे मैंने बादाम ले लिया है और मखाना ले लिया, आधा नारियल ले लिया है। तो सबसे पहले हम मेवा कट कर लेंगे फटाफट से, और मेवा हमारा कट हो गया है सारा। तो यहाँ पे हमने कुकर चढ़ा दिया, उसमें दूध डाल दिया है गर्म होने के लिए। और दूध डालने के बाद में हमने यहाँ पर चावल ले लिया है, 250 ग्राम चावल है कम से कम। तो जैसा खीर बनाने के थोड़ी देर पहले हम अगर चावल भिगो के रखते हैं, उसके बाद थोड़ा हाथों से रगड़ देते हैं, तो जो खीर है हमारी गाढ़ी बनती है। अगर दूध कम भी है तो खीर अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पे हमने चावल को हाथों से रगड़ लिया है, उसके बाद दूध में डाल दिया है। और ये देखिए हमारी खीर जो एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी लग रही है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी डालने के बाद में अच्छे से मिला लेंगे हम। फिर हमने जो मेवा कट करके रखा था, सबसे पहले बादाम डालेंगे और मखाना डाल देंगे। कद्दू कस किया था मैंने, नारियल वो भी डाल दिया है। और उसके बाद अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। तो ये देखिए खीर हमारी बनके रेडी है। खीर बन चुकी है। तो हमने यहाँ पे आटा गूंद के रख लिया था पहले ही। फिर फटाफट से हमने कढ़ाई चढ़ाई और उसमें ऑयल डाला। और यहाँ पर हम पूड़ियाँ बेल ले रहे हैं फटाफट, क्योंकि हमें जो कन्या खिलाना है, हमने नवरात्रि में कन्या नहीं खिलाया था, क्योंकि जो मेरी बेटी है उसको फीवर आया था लगातार, तो मुझे टाइम नहीं मिला था खिलाने के लिए। तो इसीलिए मैं अभी खिला रही हूँ। और ये ऑयल गर्म हो गया है, तो इसलिए हम पूड़ियों को डालेंगे, फटाफट से निकाल लेंगे, क्योंकि अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं बहुत जल्दी से बना रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं उनको स्कूल जाना है, 7 बजे का स्कूल है, तो जल्दी ही खिलाना है हमें। तो यहाँ पर हमने एक एक करके सारी पूड़ियाँ बना ली है। और फिर यहाँ पे आंगन में हमने स्वास्तिक बनाया है गेहूँ के आटे का, इसके ऊपर हम कलश रखेंगे। तो कमेंट में बताना कैसा बना है। इसके ऊपर जैसे जल भर के रखते हैं ना लोटे में, तो वही हम रखेंगे। और ये देखिए इस तरह से हमने कलश बना के रख लिया है। ये देखिए हमारी कन्या भी सारी आ गई बैठी हुई, कुछ यूनिफॉर्म में है, क्योंकि उन लोगों को स्कूल भी जाना है। और सबसे पहले हम दीये को जलाएंगे, उसके बाद इन लोगों को टीका लगा देंगे फटाफट से। चुन्नी हमने पहले ही बांध दी थी। और यहाँ पे हमने कुछ क्लिप्स लिया था जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा सारे बच्चों को दे दूँगी। और ये देखिए बच्चे खा रहे हैं कन्या, कुछ बच्चे चले भी गए हैं क्योंकि उनको स्कूल जाना था, लेट हो रहा था। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय माता दी और हैप्पी नवरात्रि, क्योंकि नवरात्रि तो बीत चुकी है, बट मैं बोल दे रही हूँ।